नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम होगी लॉन्च, 250 कंपनियां बेचेगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर। राज्यसभा में 9 सितंबर से शुरू होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मिलेगा 100 दिन का काम। चावल की कीमतों में लगी आग, 30% तक बढ़ गए दाम, कम बारिश मांग में बढ़ोतरी बनी बड़ी वजह, और भी महंगे होने के आसार। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जेपी नड्डा से मिले सीएम शिवराज, 2023 विधानसभा चुनाव है लक्ष्य। किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी, युवाओं को साधना शुरू, जल्द ही बड़ा फैसला लेगी संयुक्त किसान मोर्चा। महंगाई पर कसेगी नकेल, अरहर उड़द मसूर के लिए खरीद सीमा बढ़ाने को मंजूरी, राज्यों को रियायती दर पर मिलेगा चना। शोध में खुलासा, कोविड महामारी के दौरान कार्यस्थलों के बंद रहने से बेहतर हुआ कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य। पंजाब में घिरी आम आदमी पार्टी, बादल ने 500 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, सीबीआई ईडी जांच की मांग। शरद पवार का बड़ा ऐलान, विपक्षी दल साथ मिलकर लड़ सकते हैं 2024 का चुनाव। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होगी, पाक बॉर्डर पर रखेगा नजर, सियाचिन की चोटियों पर भी कर सकेगी लैंडिंग। कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही है मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। झारखंड में वैकल्पिक खेती की तैयारी कर रहा कृषि विभाग, किसानों को जागरूक करने का दिया गया निर्देश। स्कूली बच्चों को सीएम योगी का तोहफा, 1.91 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के खाते में डाले जाएंगे 1200 रुपए। देश में कोरोना बूस्टर डोज की रफ्तार बेहद धीमी, 18 से 59 वर्ष की आयु के सिर्फ 12% को लगा टीका। दिल्ली की शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल पर बरसे अन्ना हजारे, बोले आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। भारी बारिश से कर्नाटक केरल में जनजीवन अस्त व्यस्त, यूपी का भी बुरा हाल, प्रयागराज में हजारों घर डूबे। चिनूक हेलीकॉप्टर में आई बड़ी खराबी, यूएस आर्मी ने 400 हेलीकॉप्टर्स को सेवा से रोका, टेंशन में भारत। स्वस्थ प्रगतिशील राष्ट्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और हेल्दी मेंटल फ्रेमवर्क है जरूरी, मनसुख मंडाविया। किसान आंदोलन के घाव भरेगी बीजेपी, राजस्थान के सभी संभागों में होगा किसान सम्मेलन। राजनीतिक दल मालामाल, इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक मिला 10,000 करोड़ रुपए से अधिक चंदा। मोदी सरकार की नई मुहिम, हर गांव हर घर में होगी डिजिटल कनेक्टिविटी, नहीं देना होगा कोई चार्ज। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर का उतरना तय, केरल के प्रदेश अध्यक्ष बोले वह योग्य है, लड़ सकते हैं। ऑनलाइन ठगी से रहे सावधान, बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले, यूपी समेत 3 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। पूरे देश में एक रेट पर बिकेगा सोना, वन नेशन वन गोल्ड रेट से तय होंगे दाम। एनपीएस और अटल पेंशन स्कीम के लिए शुरू हुई नई सर्विस, यूपीआई से भी कर सकेंगे पेमेंट। फर्जी एड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा देश में खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस चाहकर भी नहीं कर सकती बराबरी। शहरों के विकास पर योगी सरकार का फोकस, 20 बड़े शहर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने चित्रकूट में तैयार किया व्यू, यूपी फिर बनेगा जीत का सारथी। भाजपा व केंद्र पर जमकर बरसी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मवेशी और कोयला तस्करी के लिए गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 50 लाख आबादी पर मंडरा रहा संक्रामक बीमारियों का संकट, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। सीएम भूपेश ने पंचायतों को बनाया सशक्त, 50 लाख तक खर्च करने का मिला अधिकार, जारी किया निर्देश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल, एलएसी के पास तेजी से बना रहा सड़क पुल और ब्रिज। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हिमाचल बहाल होगी पुरानी पेंशन, मिलेगी फ्री बिजली और इलाज, कांग्रेस ने किए 10 बड़े वादे। किसानों का डेटाबेस बनाने में जुटी सरकार, योजनाओं का आसानी से फायदा ले पाएंगे अन्नदाता।
टाटा की कारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, अब तक की सबसे बड़ी मासिक सेल, इलेक्ट्रिक वाहनों का भी रहा जलवा। जैकलिन को थी सुकेश के कामों की जानकारी, फिर भी महंगे गिफ्ट लिए, ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। धान की पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1,000 रुपए एकड़ देगी हरियाणा सरकार। अब तक 277 विधायक खरीद चुकी बीजेपी, हमारे 40 एमएलए को खरीदने का था प्लान, आम आदमी पार्टी का तंज। जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा, टोल दरें बढ़ी, अब 10-15% ज्यादा ढीली होगी जेब। तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। असम के मदरसों पर चला सरकारी बुलडोजर, 27 दिन में तीसरे मदरसे पर कार्रवाई, सभी पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप। रूस ने रोकी यूरोप को गैस सप्लाई, भीषण ऊर्जा संकट में फंस सकते हैं दर्जनों यूरोपीय देश। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, हर राज्य में मोदी ही होंगे भाजपा का स्टार चेहरा, सर्वे में स्टेट लीडरशिप फेल। यूपी के 21 जिलों के 14,000 मवेशी संक्रमित, हिमाचल में पशुओं की खरीद बिक्री पर लगी रोक। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की नई सर्विस शुरू, अब चेहरा दिखाते ही जमा होगा जीवन प्रमाण। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दी चौथी चुनावी गारंटी, 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को मिलेगी सम्मान राशि। एनटीएजीआई के चेयरमैन ने सभी को बूस्टर डोज लेने की दी सलाह, कहा एंटीबॉडी 6-8 माह के बाद होने लगती है कम। ममता का बड़ा ऐलान, कांस्टेबल नियुक्ति में उम्र सीमा बढ़ी, पुलिस कर्मियों का बढ़ा भत्ता। एक देश एक मतदाता सूची पर भी बढ़ी बात, चुनाव आयोग ने राज्यों के निर्वाचन आयोगों के साथ मिलकर इस दिशा में शुरू किए प्रयास। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, पंजाब से 10,000 कांग्रेसी जाएंगे दिल्ली। राजा वडिंग बोले 8 साल में सिलेंडर 350 से 1150 का हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा अन्य मुल्कों के मुकाबले बेहतर स्थिति में भारत, महंगाई पर काबू पाने की हो रही कोशिशें। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही है मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। जी हाँ, देश में जल्द ही शुगर, कैंसर और दिल के इलाज में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयाँ सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इन दवाओं की कीमतों में कटौती करने के लिए ट्रेड मार्जिन को फिक्स करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कारोबारी मार्जिन वाजिब रखने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इनकी कीमतें घटाई जा सके। 100 रुपए या उससे महंगी दवाओं के लिए ऐसा ही किया जा सकता है। कारोबारी मार्जिन को वाजिब सीमा में लाने के पहले चरण में उन दवाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार गुर्दे की पुरानी बीमारियों आदि के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं, कुछ महंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और कैंसर की कुछ दवाओं को सबसे पहले इस कवायद के दायरे में लाए जाने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान की पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को 1,000 रुपए एकड़ देगी हरियाणा सरकार। जी हां, खरीफ सीजन अपने चरम पर है, जिसके तहत इन दिनों देश के कई राज्यों में धान की रोपाई और बुआई जारी है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जहां इन दिनों खरीफ सीजन के तहत धान की बुआई और रोपाई प्रक्रिया खत्म हो गई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए राशि देने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि दे रही है, जिसके लिए राज्य के किसानों को आवेदन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी एड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। जी हां, केंद्र सरकार टेलीविजन और सोशल मीडिया मंचों पर किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीली पदार्थों, मसलन शराब, पान मसाले आदि के विज्ञापनों के प्रसारण से नाराज है। यही वजह है कि उसने अब ऐसे विज्ञापनों के संबंध में मौजूदा गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर सरकार उपभोक्ता संरक्षण नियामक द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश सरोगेट विज्ञापन या गलत तरीके से प्रतिबंधित उत्पादों के विज्ञापन जिनका प्रचार करने पर कानूनन रोक है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह देखा गया है कि संबंधित संस्थानों द्वारा इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और प्रतिबंधित वस्तुओं का अब भी किसी अन्य वस्तु और सेवा के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 अक्टूबर से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम होगी लॉन्च। 200 कंपनियां बेचेगी सिंगल ब्रांड फर्टिलाइजर। जी हां, मल्टी ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने की होड़ में किसानों को चूना लगाने वाली फर्टिलाइजर कंपनियों पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम से शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनियों के डीलरों और एजेंटों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर भी लगाम लगाने में सहूलियत होगी। देश की सभी 177 फर्टिलाइजर कंपनियां 2 अक्टूबर से सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर बेचना शुरू कर देंगी। इसके तहत फर्टिलाइजर की पैकेजिंग एक समान हो जाएगी। देश में फर्टिलाइजर कंपनियां सब्सिडी वाले उत्पाद यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट, नाइट्रोजन बेचती है। अब इन सभी कंपनियों को सिंगल ब्रांड भारत फर्टिलाइजर के नाम से फर्टिलाइजर की बिक्री करनी होगी। इससे किसानों को विभिन्न कंपनियों के डीलर और एजेंट बेवजह गुमराह नहीं कर सकेंगे। खाद की पूरी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से ही हो सकेगी, जो आधार नंबर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।